हेलो हेलो एवरीवन गाइस, जस्ट 1 मिनट, मैंने रॉन्ग लिंक शेयर किया है तो वो राइट लिंक शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट, हेलो एवरीवन, दिस इज निधि ध्रुव, अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एन एकेडमी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई टूडेज यूट्यूब क्लास ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? आई होप यू गाइज आर वेल, डूइंग गुड। एक सेकेंड गाइस, राइट। सो गाइस, दिस सेशन द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन हैपेंस रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 10:30 टू 11:15। आज ये लिंक का थोड़ा इश्यू हो गया, करके लेट हो गया, बट नाउ आई एम बैक अगेन। सो बेसिकली ये सेशन मैं 10:30 टू 11:15 रोज़ लेती हूँ, मंडे टू सैटरडे। टुडे इट इज़ सैटरडे का दिन, 12th of March, दिल्ली एडिशन लिया हुआ एंड आई एम बैक अगेन विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन फॉर यू ऑल। सो दिस सेशन इज़ यूजफुल फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स एज वेल एज इफ यू गाइज आर अपियरिंग फॉर एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक UPSC और बैंकिंग एग्जाम्स। स्टिल दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू ऑल। सो करंट अफेयर्स अगर अपडेट करने हैं आपको तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू ऑल। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग प्रॉपरली, दैट अपडेटिंग योर करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस इज़ लाइक सुपर इम्पॉर्टेंट। इट्स लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट, अपडेट योर करंट अफेयर्स डेली एंड डोंट मिस आउट। उसके लिए एक छोटा सा काम कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमारी चैनल को, सो दैट आप रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको और आप एक भी सेशन मिस नहीं करोगे, ठीक है? और आप UPSC बैंकिंग एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो एग्ज़ाम, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए तो ये सेशन बहुत काम लगेगा, प्रोवाइडेड यू अपडेटेड डेली। और ये इसलिए मिस ना करो सेशन। बट लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों की बात करूँ तो करंट अफेयर्स तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ इंग्लिश और लीगल रीजनिंग सेक्शन में भी हेल्प मिलेगा, ओके? और इवन नोट्स मेकिंग में, कौन से न्यूज़ की नोट्स बनानी, कौन से न्यूज़ की नहीं बनानी, ये भी मैं साथ साथ में सेशन में बताती हूँ। सो जो भी न्यूज़ के बाजू में मैं स्टार मार्क पुट करती हूँ वो न्यूज़ की आपको नोट्स बनानी होती है, ओके? सो बस ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। आज 12th of March सैटरडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में, देखते हैं एक एक करके। और बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दूंगी मेरा और अन एकेडमी का। आपको पता होना चाहिए आप किससे पढ़ रहे हो, राइट? द ऑल न्यू स्टूडेंट्स आउट देयर, और बाकी के सारे लोग जल्दी से शेयर करो अबाउट द क्लास, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है और नए स्टूडेंट्स में भी जिसको अच्छा लग रहा है सेशन, प्लीज़ क्लिक ऑन शेयर बटन एंड शेयर विद मैक्सिमम पॉसिबल पीपल। शेयर बटन क्लिक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी सब जगह डाल दीजिए, सो दैट सबको ये फ्री सेशन की जानकारी मिले और उसमें इतने फ़ायदे हो रहे हैं, इतना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, ये सबको बेनिफिट हो। इसके लिए आप लोग शेयर करो जल्दी से क्लास, ठीक है? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग प्रशांति, प्रकृति, स्टडी, माज, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। न्यू ईमेल दैट इज़ आसिफ, राइट? वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट एंड ए कंपनी सेक्रेटरी।
I'm having 8+ years experience in teaching for various law entrance exams. I was earlier associated with IMS Learning Resources. I'm still associated with CSN Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CSN Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So that's me, guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. So ये जो प्लेटफॉर्म है अन एकेडमी का प्लेटफॉर्म गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन टुडेज़ टाइम, ट्रस्ट माय वर्ड. सो आप लोग ने अगर जिसने भी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है अन एकेडमी को, डाउनलोड अन एकेडमी लर्निंग ऐप एंड स्टार्ट यूजिंग इट. यू विल बी एबल टू सी टू टाइप ऑफ क्लासेस ऑन इट, फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर सम डेज फ्री फीचर्स जो भी है, फ्री क्लासेस रोज़ के 30-40 स्पेशल क्लासेस फ्री क्लास होते हैं. फ्री क्लास को बेसिकली हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं. और फ्री मॉक टेस्ट क्विजेस भी होती हैं. ये सब दीजिए, देखिए आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है देन थिंक अबाउट टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस एक बेसिक वन है, आइकॉनिक उससे अपग्रेडेड वन है. दोनों में क्या डिफरेंस है आप खुद देख लीजिए. बेसिकली सब्सक्रिप्शन लेने से ये सारे फायदे होंगे. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 मेंटर सेशंस आपके हो सकते हैं. तो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम से क्या फायदे होंगे देखिए. और बेसिकली सब्सक्रिप्शन लेने से आप सिस्टमैटिक वे में बैचेस अटेंड के करके अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, सभी के लिए बैचेस हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन की ये प्राइजेस हैं. इस प्राइजेस पे फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट, आपको अगर एडिशनल 10% डिस्काउंट चाहिए तो निधि लाइफ कोड यूज़ कर लेना. ये सारे बैचेस ये वीक चालू हुए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा. क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज बैच है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रही है. मॉक टेस्ट का एक बैच ही चालू कर दिया है, जिसमें अलग अलग एडुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट के लेंगे. देख रहे हो आप लोग, लॉजिक, इंग्लिश, लीगल एंड जीके. ओके, कौन सा और लॉजिक, दोनों कृति मैम ही ले रही है. एंड ये सारे बैचेस भी सिलेबस कंप्लीशन के लिए चालू हुए हैं ये वीक. तो 11 मार्च कल से ये स्टार्ट हुए हैं. डाउट सॉल्विंग वीक चल रहा था ये वाला, किसी ने सेशंस मिस किए हैं तो रिकॉर्डिंग देख लेना. आज कौन सी मेरी फ्री क्लास हो रही है, फ्री क्लास मतलब अन एकेडमी पे स्पेशल क्लासेस. तो आज मैं दो फ्री क्लास ले रही हूँ, 8:30 to 9:30 एंड 9:30 to 10:30. करंट अफेयर्स का क्विज, जो कि आज करंट अफेयर्स के क्विज में बेसिकली आपको प्राइज विनिंग मतलब प्राइज वाउचर्स मिल सकते हैं, वैसा विन कर सकते हो, वैसा वाला क्विज है. एंड लीगल रीजनिंग का क्विज है उसके बाद, ठीक है. बोर्ड एग्जाम डेट्स अनाउंस हुए थे, उस हिसाब से टेंटेटिव ये डेट्स होंगे आपके एंट्रेंस की. और स्पेशल एडुकेटर कैरेक्टर टेस्ट जो क्लैट के लिए मंडे टू फ्राइडे होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की, ज़रूर दीजिए ये भी. और ये सारी फ्री फीचर्स यूज़ करके, फ्री टेस्ट दे के प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मेक योर सेल्फ परफेक्ट. और हमारी जो चैनल है अन एकेडमी क्लैट यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो. जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप मिस ना करो एक भी सेशन. लाइक एंड शेयर करो, कमेंट करो कैसी लग रही है क्लास. ओके, एंड अन एकेडमी क्लैट इज नाउ ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. सो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल दी अपडेट्स. ओके, चलिए लेट अस बिगिन विद द सेशन. ओके, सो आज 12th ऑफ मार्च को सैटरडे के दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, आइए देखते हैं. ओके, सो बीजेपी इन अ फिक्स ओवर चूजिंग धामी और बिरेन. तो उत्तराखंड में तो सीएम की क्या हालत होती है, हम लास्ट बीजेपी की गवर्नमेंट 5 साल की हुई उसमें हम लोग 3 बार सीएम को चेंज होते हुए देख चुके हैं, राइट. तो आई एम सॉरी, लैपटॉप हिल गया था. सो हम लोग 3 बार देख चुके हैं कि सीएम चेंज हो गए हैं. और ऊपर से ये बार भी क्या हो गया स्यापा, कि
पुष्कर सिंह धामी जो सीएम कैंडिडेट थे उत्तराखंड के लिए, वो अपनी सीट से ही हार गए। तो अभी बीरेन को या धामी को किसको चूज करेंगे एज अ सीएम कैंडिडेट, ये देखना है इसमें। अभी बीजेपी इज नॉट श्योर अबाउट इट, तो बीजेपी इसमें अभी विचार करेगी। सो उत्तराखंड सीएम लॉस्ट पोल्स एंड वेल मणिपुर लीडर फेसेस डायनेस्टी चार्जेस, और मणिपुर लीडर के अगेंस्ट चार्जेस हैं। बट भगवान सिंह मान जो पंजाब के सीएम कैंडिडेट हैं, वो ओथ ले लेंगे 16 मार्च को, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्ज़ाम के लिए हमें काम की नहीं है, तो डेफिनेटली हम आपको लिखना नहीं है ये न्यूज़, बस ध्यान में रखिए। पुटिन ने एक स्टेटमेंट, नॉट पुटिन ने बट वहाँ से रशिया से स्टेटमेंट आया है कि देर आर पॉजिटिव शिफ्ट्स इन टॉक्स विथ यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आई है, ऐसा रशिया से बताया। तो रशियन प्रेसिडेंट प्लेस डाउन सेंक्शंस, तो उन्होंने बोला मिस्टर क्रैमलिन एट अ क्रैमलिन मीट, सॉरी नॉट मिस्टर क्रैमलिन, आई एम सो सॉरी, एट अ क्रैमलिन मीटिंग विद बेलारूसियन प्रेसिडेंट, तो बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ ये मीटिंग की थी अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मिस्टर पुटिन ने। एंड ही सेड वेस्टर्न सैंक्शंस वुड नॉट हिंडर रशियन डेवलपमेंट एंड दैट रशिया वुड एंड अप स्ट्रॉन्गर। तो बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज पुटिंग सैंक्शंस ऑन रशिया, हम कुछ उससे डरने नहीं वाले और हम उससे हमें स्टॉप नहीं कर सकते वो लोग उससे, रशिया स्ट्रॉन्गर ही बाहर आएगा। ही देन सेड यूक्रेनियन नेगोशिएशंस वर टेकिंग प्लेस प्रैक्टिकली एवरी डे, तो यूक्रेन के साथ हम नेगोशिएशन एवरी डे कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन पॉजिटिव शिफ्ट्स ऑल्सो, पॉजिटिव मूवमेंट्स भी हैं, तो ये भी बात हुई है उनकी। नेगोशिएटर्स ऑन आर साइड टेल मी, मिस्टर पुटिन सेड, आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस लेटर। तो नेगोशिएटर्स उनके साइड से, उन्होंने ऐसा बोला है, मिस्टर पुटिन ने बोला, और फिर बोला कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगी। द क्रेमलिन सेड, दैट इज रशिया सेड ऑन फ्राइडे, द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन वुड एंड अप वेन द वेस्ट टुक एक्शन ओवर रशियाज रिपीटेडली रेज कंसर्न अबाउट द किलिंग ऑफ सिविलियंस इन ईस्टर्न यूक्रेन एंड नाटो एनलार्जमेंट ईस्ट वर्ड्स। तो रशिया के मेन दो कंसर्न्स है इधर, ओके, अभी भी। तो कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन के साथ है वो एंड हो जाएगा जब ही वेस्टर्न कंट्रीज एक्शन लेगी। रशिया ने रिपीटेडली ये मांग की है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में सिविलियंस मारे गए थे, इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज को एक्शन लेना चाहिए एंड नाटो का एक्सपांशन नहीं करना चाहिए। तो बस इतने ये दो मेन उनके कंसर्न्स हैं। और वहाँ से रशिया से बोला गया, वी नीड टू फाइंड द रिजोल्यूशन टू दीज टू क्वेश्चंस, ये दो सवालों के रिगार्डिंग हमें सल्यूशन ढूंढना है। रशिया फॉर्मुलेटेड कॉन्क्रीट डिमांड्स टू यूक्रेन टू रिजॉल्व दोज क्वेश्चन। तो रशिया ने ये डिमांड किया है फ्रॉम यूक्रेन के ये दो सवालों के सल्यूशन निकालो। क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव सेड, तो खुद पुटिन ने नहीं बट मिस्टर दिमित्री ने ये चीज़ बोली है, तो ये लिखना है गाइस। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये न्यूज़ लिख लीजिएगा। अदरवाइज ओ शिट, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत स्क्रॉल हो जाता है। अदरवाइज फ्रंट पेज से बस यही दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, नॉट मच टू सी फ्रॉम फ्रंट पेज टुडे। चल ओह, नेक्स्ट देखते क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत स्क्रॉल हो जाता है पता नहीं। सेकेंड पेज से भी वैसे इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं न्यूज़ ना, आई एम फेड अप, बार बार आगे चला जा रहा है। थर्ड पेज से भी नॉट मच, नॉट इवन फोर्थ पेज से। ओह माय गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रॉल इट, एकदम नीचे चला जा रहा है।
ओके, नाउ वी आर ऑन आवर फिफ्थ पेज, वहाँ से ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखनी है. फर्स्ट इंडिजीनियस, दैट इज इंडिया में बना हुआ कोविड ड्रग टू बी मेड अवेलेबल सून. तो कोविड का जो दवाई है फर्स्ट इंडिजीनियस, पहली बार इंडिया में बना हुआ, ये अवेलेबल हो जाएगा जल्दी ही. क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ विन कोविड कोव 19 शोइंग एक्सीलेंट रिजल्ट. तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो विनकोव के हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं, ऐसा मिस्टर राकेश मिश्रा ने बताया है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, स्टार मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन लिख लीजिएगा. सो एक्सेलेंट रिजल्ट इन्फॉर्म्ड बाई टास्टा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी डायरेक्टर राकेश मिश्रा ऑन फ्राइडे सेड दिस. ओके, सो कोविड का दवाई भी आ गया अभी. चलो इतना फास्ट स्क्रॉल हो रहा है, कल से ऐसे ही हो रहा है. एडिटोरियल पेज देखते हैं फिर. आज एक भी एडिटोरियल नहीं करना है, पूरा इलेक्शन बेस्ड है एडिटोरियल, आम आदमी पार्टी और ये वो. कल देख लिया पूरा, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है इसमें से, फ्रॉम द यू नो पॉलिटिक्स इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडिटोरियल्स हैं, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो हम दोनों एडिटोरियल्स आज के स्किप करने वाले हैं. ठीक है, तो एक तो है रिगार्डिंग आम आदमी पार्टी एंड वन मोर इज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल फ्लाइट जो ओपन हो गई उसके बारे में है. दोनों ही हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक लीड सेक्शन हमें आज करना है विच आई फाउंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा इसमें, सो आई थॉट हमें ये कवर करना चाहिए आज. ठीक है, सो लेट अस सी कौन क्या है इस लीड सेक्शन में. नहीं, इलेक्शन वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए तो नहीं करवा रही हूँ आसिफ. अभी ये लीड सेक्शन जो है ये करवाने वाली हूँ, डिटेल में देखते हैं इसे. तो इट इज़ अबाउट न्यूक्लियर. ओके, सो शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी. द वल्नरेबिलिटीज ऑफ रिएक्टर्स एंड देयर हाई कॉस्ट आर स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई इंडिया मस्ट कैंसिल इट्स न्यूक्लियर एक्सपांशन प्लान्स. सो जो टाइप की वल्नरेबिलिटी है, ये रिएक्टर्स के वजह से जो नुकसान होने के चांस है और जो रिस्क इन्वॉल्व है, एंड उसमें इतना हाई कॉस्ट भी लगता है, और ये दो रीज़न काफ़ी हैं इंडिया के लिए कि हम न्यूक्लियर एक्सपांशन प्लान हमारे ना फॉलो करें. तो दो ऑथर्स ये आर्टिकल लिख रहे हैं, सुव्रत राजू जी एंड एम वी रामना जी. ओके, इट्स नॉट एन वी रामना, इट्स एन एम वी रामना जी. ओके, तो हमारे चीफ जस्टिस एन वी रामना नहीं है, एम वी रामना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड वाई ऐसा बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्सपांशन प्लान हमें नहीं एग्जीक्यूट करने चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज हजार्डियस, डेफिनेटली इट्स वेरी हजार्डियस. द वर्ल्ड वॉज रिमाइंडेड ऑफ दिस March 3 when a fire broke out near the Zaporizhzhia nuclear plant in Ukraine. यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन में है, वहाँ आग लग गई. ओके, 3 मार्च को, और इतनी इतनी टेंशन हो गई थी कि पूछो ही मत. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलिट्री बैटल ये हुआ, क्योंकि उधर मिसाइल गिरा गया था. हैड द फायर अफेक्टेड द कूलिंग सिस्टम, अगर कूलिंग सिस्टम को फायर ने अफेक्ट कर लिया होता, एंड द प्लांट्स पावर सप्लाई ये और इट्स स्पेंट फ्यूल पूल, तो या तो कूलिंग सिस्टम को या प्लांट के पावर सप्लाई को या फ्यूल पूल को आग लग गई होती, तो एक बहुत ही बड़ा मेजर डिज़ास्टर हो जाता, जो रशिया ने भी नहीं सोचा होगा. क्योंकि रशिया इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए अटैक किया है, जो छोटे मोटे लेवल पे ही है. इतना ऑफकोर्स बहुत लोग मरे, बट ये जो न्यूक्लियर प्लांट वाला अगर फायर होता, तो इट कुड हैव बीन द वर्स्ट थिंग एवर.
और रशिया ने भी नहीं सोचा होता ऐसा गंदा हालत हो जाता। सो बट ये बच गया, ये नहीं हुआ, ये आग ज़्यादा बढ़ी नहीं, तो ये बेटर हो गया। बट 11 years अगो जापान वॉज नॉट दैट लकी, इट वॉज नॉट एज फॉर्चुनेट। ऑन 11th of March 2011, मतलब आज से एग्जैक्ट 11 साल पहले, मल्टीपल रिएक्टर्स एट द फुकुशिमा डांची न्यूक्लियर प्लांट सफर्ड सीवियर एक्सीडेंट्स। तो हम न्यूक्लियर होने की वजह से खुद की कंट्री के लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो 11 साल पहले 2011 में बहुत ख़राब एक्सीडेंट जापान में हो गया था आफ्टर एन अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो पहले अर्थक्वेक आया और फिर सुनामी आया जापान में, तो उस कारण ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। दोज रिएक्टर्स व क्विकली शट डाउन, उसको तुरंत बंद किया गया। देखिए जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज है, इधर भी सुनामी अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इवन फ्लड्स की। ऐसे टाइम में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अगर पानी जाता है और अर्थक्वेक से कैसे नुकसान होता है, अब भी हम जापान का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। डेफिनेटली इंडिया को अवॉइड ही करना चाहिए न्यूक्लियर। बट द रेडियो एक्टिव कोर्स कंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग हीट, उनकी जो रेडियो एक्टिव कोर्स थे उन्होंने कंटिन्यूस अर्थक्वेक के बाद उनके उन्होंने रिएक्टर्स तुरंत बंद कर दिए, पर फिर भी रेडियो एक्टिव कोर्स जो थे वो कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस कर रहे थे एंड इवेंचुअली मेल्टेड डाउन। और उसके वजह से इवेंचुअली वो मेल्ट डाउन हो गया बिकॉज सुनामी नॉकड आउट द कूलिंग सिस्टम। और फिर सुनामी ने कूलिंग सिस्टम पे भी उस सुनामी की वजह से पानी फैल गया वहाँ पे, तो वो पूरा मेल्ट हो गया। द आफ्टर शॉक्स ऑफ फुकुशिमा डिजास्टर वर फेल्ट बियॉन्ड जापान एंड लेड टू स्लम्प इन न्यूक्लियर एनर्जी इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके आफ्टर शॉक्स जो थे सिर्फ जापान ने बैर नहीं किए, उनके आजू बाजू कंट्री में भी बहुत देखने को मिले इसके असर। ठीक है, येट सम पॉलिसी मेकर्स इंसिस्ट ऑन एक्सपांडिंग न्यूक्लियर पावर ऑस्टेंसिबली इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स। गाइज एक ही मिनट है, सो आई एम सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज। सो ऑन December 15, 2021 द इंडियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट दैट इट प्लान्स टू बिल्ड 10 इंडिजीनियस रिएक्टर्स। सो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पर 15 दिसंबर 2021 में हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि हम लोग 10 इंडिजीनियस रिएक्टर इंडिया के में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं इन फ्लीट मोड एंड एट ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 28 एडिशनल रिएक्टर्स। ओके, तो 10 इंडिजीनियस रिएक्टर्स और उसमें 28 एडिशनल रिएक्टर्स ऐड करेंगे, इंक्लूडिंग 24 टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस यूएस रशिया। सो 28 और 10, 10 तो इंडिया में ही बनाएंगे, जिसमें से 24 और 28 दूसरे एडिशनल रिएक्टर्स, जिसमें से 24 हम फ्रांस यूएस और रशिया से इंपोर्ट करेंगे। गिवन द पोस्ट फुकुशिमा ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड्स इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री सच अ पॉलिसी सीम्स मिसगाइडेड। ये पॉलिसी ठीक नहीं लग रही है ऐसे टाइम पे, जब भी हमने जापान का एग्जाम्पल देखा है। न्यूक्लियर पावर इज नाइदर एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
नॉट अ वायबल रूट टू मीटिंग इंडियाज़ क्लाइमेट गोल्स. तो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स में भी हेल्प नहीं करने वाला है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का एक वायबल सोर्स है. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर कैपिटल इंटेंसिव एंड रीसेंट न्यूक्लियर बिल्स हैव सफर्ड मेजर कॉस्ट ओवररन्स. सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है कैपिटल इंटेंसिव भी है, बहुत पैसा भी उसमें लग जाता है. एंड रीसेंट न्यूक्लियर बिल्स हैव सफर्ड मेजर कॉस्ट ओवररन्स, बहुत पैसा भी लग जाता है इसमें. ओके, एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इज द वी सी समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन साउथ कैरोलिना US में, वेयर कॉस्ट आर रोज सो शार्पली दैट प्रोजेक्ट वॉज एबेंडन्ड आफ्टर एन एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर $9 बिलियन. $9 बिलियन खर्च करने के बाद भी प्रोजेक्ट बंद कर देना पड़ा क्योंकि कंटिन्यूस उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी. तो इंडिया के पास इतना पैसा भी होना चाहिए टू डू दिस, राइट? और फिर टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट, तो इट वुडंट बी फेयर फॉर दीज थिंग्स. इन कॉन्ट्रास्ट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैव बिकम चीपर. इसके बजाय हम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ करें वो चीपर होगी. द वॉल स्ट्रीट कंपनी लज़ार एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलार, फोटोवोल्टेइक्स एंड विंड टर्बाइन्स इन द US डिक्लाइन बाई 90% एंड 72% रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2009 to 2021. तो सोलार के वजह से और पवन चक्की जो होती है विंड टर्बाइन्स, उससे 90% से 72% 90% सोलार के वजह से 72% विंड टर्बाइन्स के वजह से कम हो जाती है कॉस्ट. इन 2020 द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डब्ड सोलार एनर्जी द न्यू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोलार एनर्जी को डेफिनेटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोल दिया है इट्स अ न्यू काइंड ऑफ किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सॉरी, नॉट काइंड, इट्स अ किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि सबसे बेस्ट सन हमारा इतना में फ्री में दे रहा है एनर्जी, क्या करना है. और तो दिस इज द थिंग. फिर सारे डेटाज, आई एम सॉरी, वापस स्क्रोल हो गया. ये चीज मेन है इसमें से पढ़ने जैसा, बाकी सारे फिर डेटाज दिए हैं आगे, ठीक है. और एक चीज और पढ़ाने जाऊंगी, अनवायबल इंपोर्ट्स, जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं फ्रांस और US वगैरह से और रशिया से, ये जो होने वाले हैं वो क्या है. सच टारगेट्स वर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन दैट इंडिया वुड इंपोर्ट मैनी लाइट वाटर रिएक्टर्स आफ्टर द इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील. तो इंडिया और US का सिविल न्यूक्लियर डील के बाद हम लाइट वाटर रिएक्टर्स इंपोर्ट करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन था. बट डील हैज़ नॉट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियर प्लांट. पर वो डील इतने साल से हो गई, मनमोहन सिंह ने की थी, तब से अभी तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगे तो नहीं है. और 13 ईयर्स आफ्टर इट वॉज कंक्लूडेड, 13 साल हो गए इसे कंक्लूड हुए, अभी तक उसके बारे में कुछ हुआ नहीं है. वरिंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रीसेंट पार्लियामेंट्री सबमिशन इज दैट दीज प्लान्स फॉर इम्पोर्ट्स हैव नॉट बीन कैंसल्ड एज इज वाइडली बिलीव्ड एंड स्टिल रिमेन ऑन द बुक्स. तो ये इम्पोर्ट करने वाले प्लान्स जो हैं वो अभी भी बुक्स में दिख रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा हर तरीके से. जो 24 फॉरेन रिएक्टर्स हम मंगाने वाले हैं उसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है. 6 आर ऑफ VVER वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर डिज़ाइन दैट हैज़ मल्टीपल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एट कुंडकुलम इन तमिलनाडु. अगर ये वाला लाया गया तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. द क्यूमुलेटिव लोड फैक्टर्स फ्रॉम द कुंडलकुलम 1 and 2 रिएक्टर्स इन 2020 वर जस्ट 53% एंड 52% रिस्पेक्टिवली. तो ये प्रॉब्लम्स भी होने वाले हैं. 12 रिएक्टर्स हम इम्पोर्ट करने वाले US से, एटलीस्ट 6 AP 1000 रिएक्टर्स, द सेम डिज़ाइन दैट वॉज एबेंडन इन साउथ कैरोलिना. सेम डिज़ाइन जो साउथ कैरोलिना में $9 बिलियन का खर्चा करके फिर बंद कर दिया गया, वही हम 6 तो मंगाने वाले हैं 12 में से. सो ये सारी प्रॉब्लम है. बार बार स्क्रॉल हो जाता है, बहुत तकलीफ है आज. क्या हो रहा है? सो ये पूरा मैंने आपको समझाया न्यूक्लियर के रिगार्डिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैसे हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोज किए डालने के लिए और नहीं डालने चाहिए वो चीज़. नेक्स्ट वन इज, ओप्स,
बहुत तकलीफ है, स्क्रॉल तो वैसे बहुत स्मूथली हो रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। सीधा ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये। रशिया का बाकी सबसे झगड़ा चल रहा है, बट इंडिया से तो वो दोस्ती ही बनाए रखना चाहता है। तो रशिया ऑफर्स मोर ऑयल टू इंडिया। रशिया ने बाकी सब जगह तो एक्सपोर्ट बंद कर दिया और बाकी सब ने सैंक्शंस लगा दिए, उनसे इम्पोर्ट ही नहीं करना चाहते। तो रशिया ने जितना ऑयल बच जा रहा है उनके पास, तो इंडिया को ऑफ़र किया, और ऑफकोर्स प्राइस भी कम ही होगा फिर। तो ये एक अच्छी बात हमारे लिए हो गई। सो कॉल बिटवीन रशियन डेप्यूटी पीएम एंड पुरी कम्स आफ्टर यूएस बैंड ऑयल इम्पोर्ट्स। तो यूएस ने वहाँ से ऑयल लेने से मना कर दिया, ऑयल इम्पोर्ट्स लेने से। तो उसके बाद रशिया के पास जो बच गया ऑयल वो हमें बेचना चाहते हैं। रशियन स्ट्राइक्स हिट वेस्टर्न यूक्रेन, और इंडिया ने कोई सैंक्शंस नहीं लगाया रशिया पे, राइट? नेक्स्ट वन इज रशियन स्ट्राइक्स हिट वेस्टर्न यूक्रेन। तो रशिया ने अगेन वेस्टर्न यूक्रेन पे अटैक किया है बहुत स्ट्रांगली। मॉस्को यूज हाई प्रिसीजन वेपन्स टू पुट मिलिट्री एयरफील्ड इन लुत्स्क, इवानो, फ्रैंकिवस्क आउट ऑफ एक्शन। तो बड़े खतरनाक वेपन यूज़ करके बेसिकली वेस्टर्न यूक्रेन में अटैक किया है रशिया ने। हालांकि ये भी लिखना नहीं है, ध्यान रखो सिर्फ। बायोलैब्स जो बोले जा रही है कि यूएस की बायोलैब्स है यूक्रेन में, रशिया ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इंडिया भी अभी थोड़ा डर गया है, थोड़ा चौकन्ना हो गया इसमें। स्टार मार्क करियो लिखना है। सो इंडिया फॉर टॉक्स ऑन बायोलैब्स इश्यू। इंडिया चाहती है कि इसके ऊपर टॉक्स किया जाए, बायोलैब्स इश्यू के ऊपर। असर रशिया कॉल्ड फॉर अ सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन इश्यू ऑफ बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज इन यूक्रेन। इंडिया सेड एनी मैटर्स रिलेटिंग टू ऑब्लिगेशंस अंडर बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन शुड बी एड्रेस थ्रू कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन पार्टीज कंसर्न। तो देर इज अ ट्रीटी रिगार्डिंग दिस बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन है। तो उसमें अगर कोई वायलेशन उसका हो रहा है तो इंडिया इज ऑल्सो रेडी कि यह सिक्योरिटी काउंसिल में इसका डिस्कशन होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। तो बेसिकली यूएस इज होल्डिंग लॉट ऑफ बायोलैब्स इन यूक्रेन एंड वायलेटिंग पॉसिबली दिस कन्वेंशन, ठीक है? रशिया हैड रिक्वेस्टेड दिस मीटिंग, उनको चाहिए था कि ये मीटिंग डिस्कशन के लिए हो। ही इट क्लेम्स इट मेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन लैब्स इन यूक्रेन सपोर्टेड बाई यूएस। तो ये यूक्रेन में एक ऐसा लैब है जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन का लैब है जो यूएस सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए इसका डिस्कशन वो करवाना चाहते हैं, एंड इंडिया इज ऑन फॉर इट, रेडी फॉर इट, सपोर्टिंग रशिया फॉर इट। नेक्स्ट वन इज वी आर कन्फ्रंटिंग द वेस्ट नॉट यूक्रेन, काउंसिलर जनरल। तो ओलेग एंड एडवीव रशिया से आके काउंसिल जनरल बोल रहा है कि हम यूक्रेन की कोई भी सिटीज़ को कैप्चर करने नहीं बैठे हैं, हमें कुछ भी वो नहीं चाहिए। हम लोग वेस्ट के साथ प्रॉब्लम जो है वो ठीक करना चाहते हैं यूक्रेन के ज़रिए, दैट्स देयर मोटिव। एंड या बस स्पोर्ट्स न्यूज़ और बिजनेस न्यूज़ से कुछ खास आज नहीं करना है। तो ऑलमोस्ट आज के दिन की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो हमने कर ली है। आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया और अच्छा लगा है। ओ माय गॉड, इतने सारे कमेंट्स देख लेती हूँ एक बार। बेटा न्यूक्लियर्स नहीं पता है, न्यूक्लियर पावर, हिरोशिमा नागासाकी पढ़ा नहीं है तूने हिस्ट्री में तेरी? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ये नाम रखा है किसी ने, बाय गॉड। मैं मुझे एक सवाल पूछना है, सवाल? हाँ पूछो सवाल। बहुत डिफिकल्ट है बेटा पास होना, बट फिर भी मेहनत करोगे तो हो सकता है, ऐसा नहीं है।
और इतनी 10 बार कमेंट ना करो, डिलीट कर लो। हाय आदित्य। नहीं आदित्य, सिर्फ अगर फैब का मिस हुआ है तो सारे बिंज वॉच कर लो फटाफट, सेशन न्यूज़पेपर एनालिसिस कर लेना। क्यों छोड़ दिया था, किस खुशी में आदित्य? हाय स्माइल प्लीज। क्या क्या नाम लग रख के आते हो तुम लोग भी। हाय स्माइली। ठीक है, हाँ चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन हिट कर देना, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, एंड शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और रिमाइंडर वंस अगेन, मेरी ये 2 फ्री क्लास आज हो रही है, करंट अफेयर्स की क्विज 26 से 28 फरवरी वाला, एंड लीगल रीजनिंग का क्विज। आदित्य आप जो पूछ रहे थे, आदित्य मुझे ये भी आप कर सकते हो अटेंड, क्विज वाला फरवरी के ये 5-5 दिन के करंट अफेयर्स क्विज, न्यूज़पेपर एनालिसिस सारे बिंच वॉच कर डालो, और प्लस मंथली कंपेंडम भी करो। ठीक है, तो ये 2 फ्री क्लास आज हो रही है मेरी शाम में, ज़रूर आ जाइए। ठीक है, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए बाय गाइस, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। यस डेफिनेटली आ गया, बट क्या क्या नाम रखते हैं तुम लोग। ओ आदित्य आप हो आदि, ओके सीएम के। फेब्रुअरी में क्यों छोड़ दिया था, किस खुशी में आदि? देख लो सारे।